अलोरताल कृषि उपज मंडी की उपमंडी ग्राम आदर्श गांव बरखेड़ा कला में गुरुवार से खरीदी का शुभारंभ ताल मंडी अध्यक्ष प्रतिनिधि राजेश परमार की उपस्थिति में शुरू हुआ। याद रहे कि वर्षों से यहां पर किसान उपमंडी की मांग करते आ रहे थे, जिस पर किसानों की समस्याओं को देखते हुए कृषि उपज मंडी बोर्ड ने ग्राम बरखेड़ा में मंडी की शुरुआत की। मंडी के शुरू होने से आसपास के हजारों किसानों को परिवहन की परेशानी से मुक्ति मिल गई। इसके पहले किसानों को लंबी दूरी तय करके ताल, जावरा, मंदसौर अपनी फसलों को लेकर जाना पड़ता था। अब यहाँ मंडी शुरू होने से इन सभी किसानों को यही अपनी फसलों के बेचने की सुविधा मिल गई है। मंडी के शुरू होने के प्रथम दिन बरखेड़ा कला कृषि उपज मंडी में शुभारंभ अवसर पर सर्वप्रथम ताल से पधारे मंडी सदस्य का व्यापारियों और किसानों द्वारा फूलमालाओं से स्वागत किया गया। फिर मंडी प्रांगण में भूमि पूजन व आरती की गई। उसके पश्चात मंडी सचिव व व्यापारियों द्वारा किसानों का माल खरीदना शुरू किया, जिसमें पहली खरीदारी चने की हुई। खरीदी की शुरुआत दिलीप मुन्या ट्रेडर से मुहूर्त में 6,150 रुपए क्विंटल में खरीदा गया। वहीं किसान ने व्यापारी को हार पहनाकर स्वागत किया और पहले ही दिन जिंसों की आवक 300 से 400 बोरी के लगभग हुई, जिसमें मंडी का छपरा पूरी तरह से भर गया। वहीं गांव के लोगों में भी काफी उत्साह का माहौल था। वहीं नई मंडी चालू होने के कारण आसपास के लोग देखने के लिए काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। मंडी अध्यक्ष प्रतिनिधि मीनाक्षी राजेश परमार, उपाध्यक्ष दूल सिंह डांगी, मंडल अध्यक्ष लाल सिंह डोडरियार, जिला महामंत्री थान सिंह चौहान, व्यापारी प्रतिनिधि बंसीलाल सेठिया, प्रभुलाल भीलवाड़ा, ओम प्रकाश पाटीदार, श्याम सेठिया, विनोद सेठिया, दिलीप मुन्या, मुकेश मेहता, बालकृष्ण चौधरी, कमलेश सोनी, दीपक सेठिया, विजय सेठिया, गोपाल सेठिया आदि उपस्थिति में किसानों ने अपनी अपनी फसल व्यापारियों को बेची। इस मंडी के शुरू होने पर क्षेत्र के किसानों ने केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, विधायक जितेंद्र गहलोत, मंडी अध्यक्ष राजेश परमार और जनप्रतिनिधियों और मंडी बोर्ड का आभार व्यक्त किया।